नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आ जाइए, लाइव आ जाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलने जा रही है। हेलो हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर आप सभी लोग का स्वागत है। हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं उदय आप लोग का स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जल्दी आ जाइए। आज जो है इंग्लिश का पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है, ठीक है। मैं उदय इंग्लिश लगभग 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, सी टेट, यू पी टेट, एन डी ए, एस एस सी, बैंकिंग, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी मिलेंगे आपको, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके, जल्दी आ जाइए। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एसएससी से जुड़े हुए सारे एग्ज़ाम्स यहाँ कराए जाएंगे, उसकी परीक्षा से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराए जाएंगे। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आप लोगों को, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं आप लोगों को, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है जितनी बार भी आप चाहेंगे वीडियो देख सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है वीडियोज में, ठीक है। गुड आफ्टरनून, हेलो गुड आफ्टरनून प्रियांशु सिंह, हेलो बेटा, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश होने जा रही है, ठीक है, जल्दी से आ जाइए। टॉप लेवल के एजुकेटर्स से यहाँ पढ़ने का अवसर मिलेगा आप लोगों को, टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं अन अकेडमी पर। ओके, हाउ टू रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू रजिस्टर, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिए। अगर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं ऐप पर भी मैं ले रहा हूँ, वो सारी क्लासेज भी बेटा आप लोगों को मिल जाएंगी, वो सारी क्लासेज भी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए, तुरंत आ जाइए, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि अभी अन अकेडमी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनके लिए ये देखिए, आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ को तो देखना ही नहीं है, लेना है तो सब्सक्रिप्शन 12 मंथ या 24 मंथ, 1 या 2 साल का लीजिएगा। एक बार पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि सिलेक्शन फिर हो जाए, ठीक है। एक बार पढ़िए लेकिन सिलेक्शन लेके निकलिए, ठीक है। मेरा कोड है उदय10, ये फॉलो करते हैं तो 10% का सीधे आपको डिस्काउंट मिलेगा, 6300 में सारी चीज़ें मिलेंगी, एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप लेवल के एजुकेटर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, कहीं भागना भी नहीं है आपको, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, आज पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है इंग्लिश का, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की फ़ीस बहुत कम है, इस फीस को देख के कभी भी एडमिशन मत लीजिएगा, ठीक है। 12 मंथ या 24 मंथ का लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत हो आप डायरेक्ट कॉल करिएगा, मुझे हेल्प करूँगा। उदय10 ये मेरा कोड है यूट्यूब का, ठीक है, इसे फॉलो करेंगे तो 10% ये डिस्काउंट हो जाएगा आपका, इतने रुपीज़ का, ठीक है। चलिए, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन पढ़ने जा रहे हैं, हेलो प्रियांशु सर, फ्रॉम व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट वोकैबुलरी सीरीज फॉर एनडीए। बेटा बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लें, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहे हैं प्रियांशु, और ये सब इम्पॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो नाउन में आज आप क्या क्या देखोगे, नाउन में आज आप देखोगे डेफिनेशन देखोगे, ठीक है, उसके बेटा काइंड देखोगे, काइंड्स भी बताए जाएंगे, डेफिनेशन हो गया, काइंड्स हो गया, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके अलावा बेटा केस पढ़ाया जाएगा, केस क्या होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और एक जो होता है वो होता है पजेसिव, क्या होता है, पजेसिव केस होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा बेटा इसकी एरर्स कराई जाएंगी, ठीक है, इसके अलावा इसकी बेटा एरर्स भी आप लोगों को कराई जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग लाइव आ जाइए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नाउन में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है नाउन एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्या है, एक आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एकेडमिक लेवल पर पढ़ा होगा, एक आप लोग कॉम्पिटिशन लेवल पढ़ने जा रहे हो,
दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्कूल में जब आप पढ़ते थे उस समय नाउन क्या था, एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग तुरंत आ जाइए, साथ में आ जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। मैं सबको शेयर भी किए दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाद में कोई बच्चा ना कहे कि भाई छूट गया। ओके, तुरंत आ जाइए आप लोग, जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है इस समय। और कोई क्वेश्चन हो नाउन से रिलेटेड आप लोग लेके बैठिए, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का आपके मन में वहम हो आप लेके बैठिए, ठीक है, आई विल रिप्लाई यू। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको नाउन में आज पढ़ाई जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट आज क्लास होने वाली है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेटा क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। ओके, ठीक है, मैंने सबको शेयर भी कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ पे क्लास हो रही है, ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं मैं क्या क्या आपको नाउन पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिक बता के ऐसे ही ख़त्म कर दूंगा, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। हेलो अनुराग अवस्थी, हेलो बेटा। तो नाउन में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा समझिए, पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, काइंड्स क्या होते हैं, फैक्ट्स इसके क्या होते हैं, केस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कब वो पदेशन बताता है, पदेशन का मतलब कब वो अधिकार बताता है, ठीक है, ये सारी चीज़ बताई जाएंगी। इसके अलावा एरर्स कराई जाएंगी, ठीक है, 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, 10 ईयर्स जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए होंगे वो सारे कराए जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाउन के डेफिनेशन की, किसकी हम लोग बात करेंगे, नाउन के डेफिनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई चीज़ आज आप लोगों को पता चलेगी, ठीक है, नई चीज़ आप लोगों को पता चलेगी। नाउन के डेफिनेशन की देखिए बात करते हैं। देखिए बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि नाउन इज़ द नेम पर्सन प्लेस और थिंग, रट लिया बस सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आइए आज हम लोग इसकी डेफिनेशन को कायदे समझते हैं, एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बच्चों को भी, ओके। तो देखिए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, क्या कहा जाता है, पर्सन हो गया, ठीक है, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है, थिंग्स हो गया, बने रहिएगा बेटा, बच्चों वाली चीज़ नहीं बताने जा रहे हैं, आप लोग का यहाँ से दिमाग खुल जाएगा, आप लोगों को यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी, थिंग्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, ठीक है बेटा, ट्री हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे नाउन में आते हैं। अब देखिए एग्जाम में इनका क्या यूज़ है, एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा पर्सन में अगर आप ध्यान से देखें तो पर्सन पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राम हो गया, सीता हो गया, ठीक है, मोहन हो गया, पर्सन कोई भी हो सकता है, इसको पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस एग्जाम में भी नहीं है। प्लेस क्या है, लखनऊ हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, कुछ भी, पर प्लेस को पहचानना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। थिंग्स बेटा दो प्रकार की होती हैं, थिंग्स दो प्रकार की होती हैं, एक होता है नॉन लिविंग थिंग, क्या होता है, एक होता है बेटा नॉन लिविंग थिंग्स, बताइए एक होता है नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग कैसी होती है, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, बेटा पूरा पढ़ाया जाएगा, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं मैं सबसे वादा कर रहा हूँ कि यहाँ मैं पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था पूरा पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, ठीक है। तो गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, वुड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग में। तो दूसरी कैसी हो जाएगी, एक नॉन लिविंग थिंग होती है तो दूसरी थिंग कैसी हो जाएगी, जल्दी बताइए बेटा, एक अगर गुड आफ्टरनून दीपा अनुराग, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, जल्दी बताइए एक अगर नॉन लिविंग थिंग है तो दूसरा कैसा हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं यही जाके बेटा आगे बन जाती हैं मटेरियल नाउन, क्या बन जाती हैं, मटेरियल नाउन,
क्या बन जाती हैं? मटेरियल नाउन। यही चीज़ें आगे जाके क्या बन जाती हैं? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे आप कुछ बनाते हो, ठीक है। अब गोल्ड आपने तो नहीं बनाया, गोल्ड से आप बनाते हो। आयरन आपने तो नहीं बनाया, आयरन से बनाते हो। वुड आपने तो नहीं बनाया, वुड से बनाते हो। तो एक हो गया नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, और दूसरा हो गया परसीव्ड थिंग। बहुत कम बच्चों को ये पता है। दूसरा हो गया परसीव्ड थिंग्स। आप पूछोगे सर परसीव्ड का मतलब क्या होता है? परसीव्ड का मतलब होता है महसूस, महसूस की जाने वाली वस्तुएं, महसूस की जाने वाली वस्तुएं। यानी परसीव्ड थिंग्स में वो नाउन आएगा जिन्हें हम महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे काइंडनेस हो गया बेटा, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया। क्या हो गया? काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, टेस्ट हो गया। टेस्ट के अलावा बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो। पेन हो गया, ठीक है, पेन हो गया, बहुत सारी चीज़ें, पॉवर्टी हो गया। ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? महसूस की जाती हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये समझिए पहले आप लोग। काइंडनेस बताइए, काइंडनेस आप देख सकते हैं? कैन यू शो काइंडनेस? कैन यू शो योर काइंडनेस? क्या अगर आपसे कोई कहे कि आप अपनी काइंडनेस दिखाइए, कैसे दिखाएंगे बताइए? क्या आप अपनी काइंडनेस दिखा सकते हैं? काइंड तो दिखता है लेकिन काइंडनेस नहीं, उसे सिर्फ देखा, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। हैप्पीनेस, खुश तो दिखता है लेकिन खुशी नहीं। टेस्ट, मान लीजिए मैंने भी कैडबरी चॉकलेट खाई, आपने भी खाई, क्या टेस्ट आप दिखा सकते हैं किसी को? आप कहोगे सर आप भी खा लीजिए, जैसी मुझे लग रही वैसी आपको लगेगी। पेन, मान लीजिए किसी के पैर में दर्द हो रहा है, क्या पेन आप किसी को दिखा सकते हैं? गरीबी क्या दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें महसूस की जाती हैं। क्या की जाती हैं? ये सारी चीज़ें बेटा सिर्फ और सिर्फ महसूस की जाती हैं। इसीलिए ये बन जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बन जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बेटा मैंने क्लास में भी आप लोग को पढ़ाया था, ये क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस बात को विशेष रूप से अपने जहन में आप लोग बैठा लीजिए। तो परसीव्ड थिंग्स, देखिए काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, टेस्ट हो गया, पेन हो गया, पॉवर्टी हो गया, मतलब गरीब तो दिखता है लेकिन गरीबी नहीं, गरीब तो दिखता है लेकिन गरीबी नहीं। टेस्ट किस नहीं देख सकते आप, दर्द नहीं देख सकते आप, महसूस करते हैं, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। और भैया जो चीज़ देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, ठीक है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, रूप नहीं होता, रंग नहीं होता, उसका वर्ब भी कैसा आएगा? उसके साथ वर्ब भी बेटा सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अपने जहन में कायदे बैठा लो, 100% बेटा ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। और मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन अभी जब मैं काइंड अलग अलग पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल से बताऊंगा इसके क्या होता है। अब देखिए एनिमल्स और ट्री की बात करते हैं। अब आप लोग ये बताइए एनिमल और ट्री लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है? जल्दी से आंसर करिए जो भी लोग बने। एनिमल्स, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एनिमल्स और ट्री लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। एनिमल्स और ट्री लिविंग थिंग्स हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स? जल्दी, तीन लोग बने हैं, चार लोग, भाई कोई तो आंसर दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जल्दी, लिविंग थिंग, अनुराग अवस्थी का आया है लिविंग थिंग, ठीक है अनुराग। देखिए अब यहाँ से आपको पता चलेगा क्या होती है ग्रामर, ठीक है बेटा, यहीं से आपको चीज़ें पता चलेंगी। अनुराग अवस्थी का आया है लिविंग थिंग, ठीक है अनुराग। अब दीपा राजपूत लिविंग थिंग, आइए देखते हैं। देखिए बेटा ग्रामर कितनी सुंदर होती है, इंग्लिश में और हिंदी में कितना अंतर है। देखिए अनुराग अवस्थी लिविंग थिंग, ठीक है बेटा मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए आप लोग, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता चलने जा रही है। बायो कहती है, जो बायो होती है वो कहती है कि हर सांस लेने वाली चीज़ क्या होती है? लिविंग थिंग होती है। क्या होती है? लिविंग थिंग होती है, जो सांस लेती है, जो बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी कहती है नहीं, अंग्रेजी कहती है कि एनिमल्स और ट्री लिविंग होने के बावजूद भी इनका ट्रीटमेंट नॉन लिविंग की तरह होगा। अगर बेटा ये लिविंग थिंग है तो बताइए कभी आपने सुना है ही इज अ डॉग? अनुराग, दीपा, आप लोग बताइए कभी आपने सुना है ही इज अ डॉग? बताइए, या आपने कभी सुना है शी इज अ मैंगो ट्री या शी इज अ कैट, कुछ भी बताइए। कभी आपने एनिमल या आपने कभी सुना है ही, कभी आपने सुना है ही इज अ मैंगो ट्री, ही इज अ मैंगो ट्री, क्या बेटा कभी आपने सुना है? जल्दी बताइए, नहीं सुना है ना। याद रखिएगा अंग्रेजी कहती है कि एनिमल्स और ट्री
लिविंग होते हैं फिर भी इनका ट्रीटमेंट नॉन लिविंग की तरह होगा। एनिमल्स और ट्री के पहले आप ही और सी का प्रयोग नहीं कर सकते, एनिमल्स और ट्री के पहले बेटा ही या सी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए। बायो के हिसाब से तो ये लिविंग थिंग है, लेकिन इंग्लिश में एनिमल्स और ट्री के पहले हम ही या शी नहीं लगाते हैं, इन दोनों के पहले इट लगता है। क्या लगता है? इट लगता है। इस बात को अपने जहन में जितनी जल्दी हो सके बैठा लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बताता हूँ मैं, अगर बॉय सिंगुलर है तो ही लगेगा, प्लूरल है तो दे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? दे। गर्ल सिंगुलर है, शी लगेगा, प्लूरल है, क्या लगाते हैं? दे। और अगर एनिमल या ट्री सिंगुलर है तो इट लगाते हैं, लेकिन प्लूरल है तो क्या लगाते हैं? दे। याद रखिएगा सिंगुलर और प्लूरल, याद रखिएगा। ये बेटा बॉय के लिए है, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं गर्ल के लिए है, ये एनिमल्स और जो ट्री होते हैं ये उनके लिए है। ये जब सिंगुलर रहते हैं तो इट लगता है इन सबके साथ, लेकिन प्लूरल में सबके लिए एक ही वर्ड आ रहा है, दे। सबके लिए एक ही वर्ड आ रहा है, सबके लिए एक ही वर्ड आ रहा है, यानी दुनिया में पूरी धरती पे जो प्लूरल होता है उसके लिए एक ही प्रोनाउन बना है, उसके लिए बेटा एक ही प्रोनाउन बना है, क्या बना है? दे, जितना भी प्लूरल है बेटा। क्लियर हुई ये बात? ये बेटा बात आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है, समझ में आया? जल्दी से बताइए, समझ में आई ये बात आप लोगों को? जल्दी से, दीपा, अनुराग, यस सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें बेटा, ये समझ लीजिए, क्लास आपके लिए हो रही है, हमारे लिए नहीं हो रही है। जी सर, न्यू चैनल, न्यू चीज़ सीखने को मिली दीपा राजपूत, हेलो दीपा, ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, देखिए किसी बच्चे ने शरारत भी की है, चलिए कोई बात नहीं है, उस पर मुझे तरस आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई चीज़ सिंगुलर है, कोई चीज़ सिंगुलर है तो अगर वो बॉय है ही, गर्ल है शी, और नॉन लिविंग थिंग एनिमल है तो सबके लिए ट्री, ठीक है, उन सबके लिए इट, याद रखिएगा। लेकिन प्लूरल में वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, दे। प्लूरल में सिर्फ और सिर्फ हम दे ही लगाते हैं, बिल्कुल दे लगाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो ये तो हो गई नाउन की डेफिनेशन की बात हम कर रहे थे, सुनिए डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, जो लोग बाद में जुड़े मैं उनको दिखा दूँ। ये डेफिनेशन है, पर्सन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन आप बहुत ईजिली पहचान सकते हो, एक बार बता दूँ, पर्सन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थिंग्स दो तरह की होती हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स, एक परसीव्ड थिंग्स। परसीव्ड का मतलब होता है महसूस किया जाना, जो आप महसूस करते हो। ठीक है, काइंडनेस, हैप्पीनेस, टेस्ट, पेन, ये भी मैं काइंड में अलग अलग ही बताऊँगा। ठीक है, एनिमल्स और ट्री, जब तक ये सिंगुलर होते हैं क्या इट लगता है, और प्लूरल में इन सबके साथ हम क्या लगाते हैं? प्लूरल में इन सबके साथ क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप ये बताइए, अगर आप कहिए आई हैव मेनी पेन्स, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, आई हैव मेनी, मेरे पास बहुत से पेन हैं, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट, बताइए इसमें क्या भरेंगे, इसमें इट भरेंगे कि देम भरेंगे, बताइए जल्दी। मैं इनको वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ तो क्या फिल किया जाएगा, इट आएगा कि देम आएगा, जल्दी आंसर करिए फटाफट, इट आएगा बेटा कि देम आएगा, जल्दी से लाइक कर लीजिए। सर बफरिंग हो रही थी इसीलिए, कोई बात नहीं दीक्षा सिंह, कोई बात नहीं बेटा, अभी सही है दीक्षा, अभी आ रहा है। अनुराग अवस्थी, कौन सा बेटा अनुराग, कौन सा बता दें एक बार फिर से मेरा अनुराग, पहले आप समझ लीजिए, मैंने कहा अगर कोई सिंगुलर बॉय है तो ही लगेगा, गर्ल है सिंगुलर तो शी लगेगा, एनिमल और ट्री अगर सिंगुलर हैं तो इन सबके साथ इट लगता है, लेकिन तीनों का एक ही प्लूरल है दे, ये समझ लीजिए बेटा। अब बताइए, मेरे पास बहुत से पेंस हैं, आई हैव मैनी पेंस, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट, इट होगा कि देम होगा, इस फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, जल्दी बताइए। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट, इट होगा कि देम होगा, फटाक से आंसर करिए, जल्दी बताइए। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट, इट होगा कि देम, बताइए बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन है आप लोग के जीवन में, एक नंबर 100% मिलेंगे ही मिलेंगे आप लोग, बताइए फटाफट, सबका सिलेक्शन होगा। अब क्योंकि मैं दोपहर में क्लास ले रहा हूँ, 3 बजे से ले रहा हूँ, इसलिए हो सकता है बच्चे कम है इस समय, दोपहर में बच्चे सोने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बता सकते हैं देम होगा। ये देखिए,
आई हैव मैनी पेन्स, और देम किसके लिए आया है, पेन्स के लिए आया। पेन कैसी चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग। पेन कैसे होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा, पेन्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो अगर आपने पेन के लिए, पेन्स के लिए क्या लगाया, देम लगाया है, तो देम का क्या होता है, दे। यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आप क्या यूज़ कर रहे थे, दे। अब क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, अनुराग देम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, देम ही होगा बेटा, बिल्कुल सही। लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो समझिए, मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं, पेन्स कैसे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं पेन्स। अब अगर पेन्स नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए आप देम यूज़ कर रहे हो, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। तो बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, कि नॉन लिविंग जब प्लूरल होते हैं तो इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। ये मेरा बताने का इंटेंशन था, ठीक है। बताइए ये चीज़ सबको क्लियर है, अनुराग, ओके, ठीक है। अनुराग, दीपा, दीक्षा, सभी लोग को बेटा शेयर कर दो, जितने भी लोग मेरे पैन चैनल से जुड़े हुए हैं पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ लें, ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए। ओके 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 ओके, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए बेटा, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, जल्दी बताइए, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। कर दिया है सर, ओके, बताइए बेटा नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, जल्दी आंसर करिए। देखिए बेटा, वैसे तो नाउन के 5 काइंड होते हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसलिए ऐसे पढ़िए, आप लोग इस तरह से पढ़िए। नाउन के जो काइंड्स होते हैं, ए कैटेगरी में रखिए कॉन्क्रीट नाउन। अब आप कहोगे कंक्रीट क्या होता है, अभी बताते हैं। बी कैटेगरी में रखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बेटा आप लोग बी कैटेगरी में रखिए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इस तरह से पढ़िए। अब कंक्रीट का मतलब क्या होता है, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, फिजिकल, जिसको देखा या छुआ जा सकता है। इसके बेटा 4 पार्ट होते हैं, पहला प्रॉपर नाउन, राइट, बी दूसरा कॉमन नाउन, एक एक नाउन के बारे में आज हम बात करेंगे, तीसरा मटेरियल नाउन, राइट, और चौथा, चौथा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। वैसे तो मैं क्वेश्चन भी करा सकता था, कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इंग्लिश की, वैसे तो मैं क्वेश्चन भी करा सकता था, लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा बहुत कम चैनल से इसमें पूरे पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बेटा फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब कॉन्क्रीट का देखिए मतलब क्या होता है, नाउन को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है, जो पहला है उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, जिसको देखा जा सकता है, देखा छुआ जा सकता है, देखा छुआ जा सकता है, ठोस। इसमें 4 आते हैं, प्रॉपर, प्रॉपर मान लीजिए राम है, इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, कॉमन, कॉमन मान लीजिए बॉय है, इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, मटेरियल, मटेरियल मान लीजिए गोल्ड है, इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, अलग अलग ही पढ़ाएंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में मान लीजिए आर्मी जा रही है, आर्मी को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो जो नाउन के काइंड से मैंने 2 भागों में विभाजित किए, एक भाग में कॉन्क्रीट है, उसके अंदर ये 4 आते हैं, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अपनी दुनिया में ही मत रहता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, क्या कहते हैं बेटा, भाववाचक संज्ञा। जितने भी लोग जुड़े हैं बेटा हेलो जरूर बोल दीजिए, ताकि मैं जान जाऊं कितने नए बच्चे जुड़े हैं, हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे देखिए बेटा काइंडनेस हो गया, युवराज सिंह अद्भुत सर, हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इसके अलावा टेस्ट हो गया, ठीक है, इसके अलावा ऑनेस्टी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी पर्स गिर गई और युवराज ने मेरी पर्स मुझे वापस कर दी। अब मैंने अगर युवराज से कहा कि भाई आप बड़े ऑनेस्ट हो, तो ऑनेस्ट को तो देखा है छुआ जा सकता है। दीक्षा, हेलो दीक्षा, क्या ऑनेस्टी दिखती है, क्या मैं युवराज से कह सकता हूँ कैन यू शो योर ऑनेस्टी, क्या युवराज ये कहेंगे सर ये मैं हूँ, ये मेरी ऑनेस्टी, मैं महसूस करूँगा क्योंकि युवराज ने मेरी पर्स वापस की है
तो मैं महसूस करूंगा कि युवराज के अंदर क्या है, बहुत ऑनेस्टी है। तो ईमानदार तो दिखता है बेटा, लेकिन ईमानदारी नहीं, ईमानदारी सिर्फ महसूस की जाती है, ठीक है। टेस्ट मान लीजिए युवराज ने या दीक्षा ने कैडबरी चॉकलेट खाई है, तो दीक्षा से अगर मैं कहूँ कि कैडबरी चॉकलेट कैसी है, तो दीक्षा ये तो नहीं कहेंगी सर ये कैडबरी चॉकलेट है, ये इसका स्वाद है, ऐसा तो नहीं है। दीक्षा कहेंगी सर आप भी खा लीजिए, जैसी हमें लग रही वैसी आपको लगेगी, हैप्पीनेस। मान लीजिए युवराज की फर्स्ट रैंक आ गई है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में युवराज की फर्स्ट रैंक आई है SSC CGL में, ठीक है, मैं ऐसी आशा करता हूँ, फर्स्ट रैंक। अब मैं युवराज के घर गया, युवराज बहुत खुश हैं, युवराज बहुत हैप्पी हैं, युवराज को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, लेकिन क्या युवराज अपनी हैप्पीनेस दिखा सकते हैं, क्या युवराज अपनी खुशी दिखा सकते हैं, बताइए। क्या युवराज ये कह सकते हैं सर ये मैं हूँ, ये मेरी खुशी रखी है, एक किलो आधा किलो मोहल्ले में टहलने गई है नम्रता शुक्ला, हेलो नम्रता, ठीक है। तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा सिर्फ और सिर्फ महसूस की जाती है, ठीक है। दयालु तो दिखता है लेकिन दयालुता नहीं, याद रखिएगा दयालु तो दिखता है लेकिन दयालुता नहीं, खुश तो दिखता है खुशी नहीं, ठीक है। टेस्ट तो टेस्ट सिर्फ महसूस किया जाता है, ईमानदारी सिर्फ महसूस की जाती है, ठीक है। तो आइए हम लोग जरा स्टेप बाय स्टेप एक एक काइंड को देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, कैसे बेटा इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग रेडी हैं बताइए, जितने भी लोग बने हैं रेडी हैं, गुड आफ्टरनून नम्रता शुक्ला, गुड आफ्टरनून, ठीक है। जितने भी लोग बने हुए, बहुत ज़्यादा इस समय ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बताइए रेडी हैं आप लोग। ओके चलिए स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन की आइए बात करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है जल्दी बताइए आप लोग अपने हिसाब से बताइए, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर जिसे आप हिंदी में विशेष कह सकते हो, पर्टिकुलर कोई पर्सन हो, ठीक है, पर्टिकुलर कोई पर्सन हो, प्लेस हो, या बेटा थिंग्स हो, कोई भी चीज़ हो, वो पर्टिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, याद रखिएगा, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या थिंग्स, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो बड़ा आपको ईजी लग रहा होगा, लेकिन बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझिए, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होता है इसको हमेशा हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। ये बात बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसी में गलती हो जाती है लेटर ऐसे वगैरह में। मान लीजिए ताजमहल लिखना हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं ताजमहल, स्पेलिंग तो सही है लेकिन ये गलत है, आप गलत लिख रहे हो, ताजमहल हमेशा किस में लिखा जाएगा, ठीक है, टी कैपिटल होगा। तो जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखो बेटा, प्रॉपर नाउन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में ही लिखे जाते हैं, ठीक है, किस में, कैपिटल में। अब एग्जाम के पर्पज़ के हिसाब से देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे समझिए। अगर मैंने लिखा विनय इज माई ब्रदर, विनय इज माई ब्रदर, राइट, विनय इज माई ताजमहल, ओके, विनय इज माई ब्रदर, बताइए इसमें विनय क्या है, जितने ही बच्चे बने हुए हैं बताइए विनय क्या है, विनय पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट अगर मैं यही सेंटेंस ऐसे लिख दूँ, यही सेंटेंस मैं लिख दूँ देयर आर टू विनय, अब बताइए विनय क्या है, देयर आर टू विनय इन माई क्लास, अब बताइए यहाँ विनय क्या है, जितने भी लोग देख रहे हैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टू विनय इन माई क्लास, जल्दी बताइए बेटा यहाँ पे विनय क्या है, बताइए ये विनय यहाँ क्या है, लग तो प्रॉपर नाउन की तरह रहा है लेकिन बेटा यहाँ विनय क्या काम कर रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा, सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट, जल्दी बताइए यहाँ पे विनय क्या है, जल्दी। चलिए मैं दो ऑप्शन देता हूँ, मैं आप लोगों को दो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, एक है कॉमन नाउन और एक है प्रॉपर नाउन, आपको बताना है इसमें विनय क्या है, देयर आर टू विनय इन माई क्लास, फटाफट आंसर करिए, जल्दी बताइए, देखें कौन आंसर दे रहा है,
नेम है, दीक्षा का आंसर आ रहा है नेम है अनुराग। जल्दी बताइए बेटा, 6 लोग जुड़े हैं, 6 लोग तो आंसर दीजिए फटाफट जल्दी। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? दो ऑप्शन दिए मैंने आपको, एग्जाम में 4 मिलेंगे। बताइए ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। तो देयर आर टू विनय इन माई क्लास, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे विनय कॉमन नाउन है क्योंकि आप ये नहीं जान सकते किस विनय की हम बात कर रहे हैं। दो विनय की यहाँ बात हो रही है। अगर मैं कहूँ मेरे क्लास में दो विनय, देयर आर टू विनय, तो बेटा याद रखिएगा दो विनय है, आप नहीं बता सकते मैं किस विनय की बात कर रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, विनय इज माई ब्रदर, यहाँ पे विनय प्रॉपर नाउन है क्योंकि पर्टिकुलर विनय की ही हम बात कर रहे हैं, जो विनय है, ठीक है, दो है विनय इसलिए। तो बेटा एक रूल ये बन गया कि प्रॉपर नाउन बिकम्स कॉमन नाउन व्हेन इट यूज एज अ प्लूरल, ठीक है। प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कब हो जाता है? जब बेटा ये प्लूरल होता है, क्या होता है? प्लूरल होता है, राइट। तो प्रॉपर नाउन भी किस तरह काम करने लगता है? कॉमन नाउन। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इस तरह सेंटेंस, बहुत बच्चे ऐसे नहीं जानते हैं, वो डायरेक्ट विनय को प्रॉपर नाउन लगा चले आएंगे, एरर हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कब होता है? जब ये प्लूरल यूज होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन पहला काइंड में पढ़ा रहा हूँ इस समय, जितने बच्चे बाद में जुड़े हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसी में, अगला एक सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा कालिदास वॉज अ ग्रेट पोइट। बताइए कालिदास यहाँ पे क्या है? कालिदास वॉज अ ग्रेट पोइट, इसमें कालिदास क्या है जल्दी बताइए, इसमें बेटा कालिदास क्या है जल्दी, कालिदास वॉज अ ग्रेट पोइट, इसमें कालिदास क्या है जल्दी आंसर बताइए। यहाँ बेटा कालिदास प्रॉपर नाउन है, क्या है? प्रॉपर नाउन, जो कालिदास से उन्हीं की बात हुई है। बट अगर मैं लिख दूं देयर आर, सुनिए ये वाला मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलिए अलग काट देते हैं। अगर मैं लिख दूं विनय इज द कालिदास ऑफ अवर स्कूल, अब बताइए इसमें कालिदास क्या है जल्दी बताइए फटाफट। विनय इज द कालिदास ऑफ अवर स्कूल, इसमें बताइए बेटा कालिदास क्या है? तो याद रखिएगा पहले वाले सेंटेंस में कालिदास वॉज अ ग्रेट पोइट, जो कालिदास है उन्हीं की बात हुई है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है विनय इज द कालिदास ऑफ अवर स्कूल, इसमें बताइए कालिदास क्या है? तो चल रहा है सही सही बेटा, आपके फोन में आ रही होगी नेटवर्क प्रॉब्लम, एक बार मैं देख लेता हूँ भाई। नहीं बेटा नेट तो चल रहा है प्रॉपर, तुम वाईफाई से कनेक्ट हो गया? नहीं बेटा नेट तो प्रॉपर चल रहा है दीपा राजपूत। नहीं बेटा नेट तो चल रहा है प्रॉपर। क्या हुआ? अभी आ रहा है? ठीक है, अभी आ रहा है सभी लोगों के पास? नहीं बेटा नेट चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो अमन इज द सचिन, यानी कि प्रॉपर नाउन। तो दो चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर नाउन से पता चली कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हो जाता है जब ये क्या हो जाता है। चलिए स्टार्ट रखते हैं, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करने लगता है जब ये प्लूरल यूज होता है। क्या यूज होता है? प्लूरल यूज होता है, जब ये प्लूरल यूज, देयर आर टू विनय। और ध्यान दीजिएगा प्रॉपर नाउन जब क्वालिटी बताता है किसी की तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बेटा किसका प्रयोग करते हैं? अभी चल रहा है, थैंक यू बेटा, अभी चल रहा है, ठीक है ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट काइंड है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड है,
ध्यान दीजिएगा आप लोग, मटेरियल नाउन किसकी बात करेंगे, मटेरियल नाउन जिसे आप लोग पदार्थवाचक संज्ञा कहते हो, मटेरियल नाउन। यस सर ठीक है बेटा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, थिंग्स जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसा नाउन जिससे हम कुछ बनाते हैं उन्हें कहते हैं मटेरियल नाउन। केवल अनुराग जी केवल आपकी आवाज़ आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं बेटा आ तो रहा है, आ रहा है बेटा आ रहा है। अभी ठीक है बेटा, अभी ठीक आ रहा है, आ रहा है बेटा आ रहा है, मैंने चेक किया है यहाँ से। चलिए आइए देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिससे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सारी चीज़ें मटेरियल नाउन होती हैं। क्या होती हैं, मटेरियल नाउन, जिससे कुछ बनाया जाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आयरन हो गया इसके साथ, सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मटेरियल नाउन। अच्छा ये एक चीज़ बताइए, इसमें से क्या आपने बनाया है, आप लोगों ने कुछ बनाया है इसमें से, क्या आपने गोल्ड बनाया है, क्या आपने वाटर बनाया है, क्या आपने वुड बनाया है, क्या आपने आयरन बनाया है, या आपने सिल्वर बनाया है, आपने क्या बनाया है बताइए। इसमें से बेटा आपने किस चीज़ का निर्माण किया है, इसमें से आपने कुछ नहीं बनाया है, इसीलिए कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अभी दिख रहा है बेटा क्लियर, ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आएंगे बताइए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, द गोल्ड इज अ वेरी प्रीशियस मेटल। बताइए सेंटेंस में एरर कहाँ है, जल्दी बताइए। यस सर अब चल रहा है, सभी बच्चों को बेटा बता दीजिए अब चल रहा है, सब बच्चे जुड़े थे अभी शायद चले गए हैं, कुछ बच्चे उनको लग रहा था नेट नहीं चल रहा है, तो सभी लोग को बता दीजिए, द गोल्ड इज़ अ वेरी प्रीशियस मेटल। बताइए इसमें एरर कहाँ है, इस सेंटेंस से आने वाली एरर देखिए पहले, गोल्ड इज़ अ वेरी प्रीशियस मेटल, इस सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं, फटाफट याद रखिएगा, इसमें आर्टिकल हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि द जो है चीज़ों को फिक्स्ड कर देता है, क्या करता है, देता है, फिक्स्ड कर देता है। अब भैया कोई फिक्स्ड सोना तो नहीं है जो प्रीशियस मेटल है, ऐसा तो नहीं अमेरिका इंग्लैंड वाले कहते हैं हम लोग सोना पहन के फेंक देते हैं दो दिन में, ऐसा तो नहीं है। द गोल्ड इज़ अ वेरी प्रीशियस मेटल, ये कह रहा है कोई फिक्स्ड सोना प्रीशियस मेटल है, बहुमूल्य धातु है, ऐसा नहीं, पूरी धरती के सोना जो है बहुमूल्य धातु है, जितना भी सोना है धरती पाया जाता है सारा बहुमूल्य धातु है, इसमें द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। बट बेटा ये सेंटेंस देखिए नीचे वाला, बताइए इसमें द सही लगा है कि नहीं, द गोल्ड इज़ नॉट फॉर सेल, ये बताइए, द गोल्ड इज नॉट फॉर सेल, बताइए बेटा ये सही है कि नहीं, द गोल्ड इज नॉट फॉर सेल, ये बताइए सही है कि नहीं, द गोल्ड इज नॉट फॉर सेल। पूरी धरती के सोने की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार हम किसी फिक्स्ड गोल्ड की बात कर रहे हैं जो बिकाऊ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दा सही है। तो याद रखिएगा द यूनिवर्सल चीज़ों को भी फिक्स्ड कर देता है, अगर आप उसको फिक्स्ड करके रख रहे हैं, द गोल्ड की बात है कोई निश्चित सोना बिकाऊ नहीं है, लेकिन पहला वाला सेंटेंस इंडिकेशन दे रहा था कि पूरा सोना जो धरती जितना भी सोना है सब प्रीशियस है। जैसे देखिए एक सेंटेंस और देखिए, एक सेंटेंस है द वाटर इज लाइफ, बताइए क्या है, एक सेंटेंस है द वाटर इज लाइफ, सही है कि गलत है बताइए जल्दी। यस दीपा राजपूत, क्योंकि इसमें स्पेशल गोल्ड की बात हुई, बताइए द वाटर इज लाइफ, जल्दी आंसर दीजिए बेटा, द वाटर इज लाइफ,
ये सही है कि नहीं? द वॉटर इज लाइफ पूरी तरह से गलत है, कोई फिक्स्ड वाटर नहीं है जो लाइफ है, याद रखिएगा, कोई फिक्स्ड वाटर लाइफ नहीं है, पूरा पानी लाइफ है, जिन धरती पे जितना ही पानी है सब लाइफ है बेटा, वाटर इज लाइफ, रुकिए मैं चेक करता हूँ, फिक्स्ड वाटर नहीं है जो लाइफ है, ठीक है, याद रखिएगा, कोई फिक्स्ड वाटर लाइफ नहीं है, बट अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिख दूँ, धरती पे जितना ही पानी है सब लाइफ है बेटा, वाटर इज लाइफ, बट अगर यही सेंटेंस मैं ऐसे लिख दूँ, द वॉटर ऑफ योर बॉटल इज नॉट पोर्टेबल, इज नॉट पोर्टेबल, तो बताइए ये सही है कि नहीं? ये बेटा पूरी तरह सही है, इस बार हम किसी, क्योंकि इसके आगे द लगाया है, ऑफ योर बॉटल इज नॉट पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, आपके बोतल का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य, ध्यान रखिएगा आप लोग बेटा, यहाँ पर द वाटर बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सिर्फ उतने पानी की बात कर रहे हैं जो किस में लगा हुआ है, जो किस में लगा हुआ है, चेक कर लेता हूँ, जो बॉटल में है, सिर्फ उतने पानी की बात इस समय हो रही है, ठीक है, बिल्कुल दानी यूज होगा। चलिए तो ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के बारे में एक चीज़ और बता दूं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मटेरियल नाउन के बारे में, मटेरियल नाउन के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, कोई भी चीज़ हो, प्लास्टिक कुछ भी हो, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल, और भैया जब ये अनकाउंटेबल है तो इसके आगे बेटा ए एन का भी प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल ए एन का देखो मतलब क्या होता है, मतलब होता है एक, मतलब होता है, और एक हम तभी किसी नाउन के पहले लगाते हैं जब उसके बहुत से रूप होते हैं, जब उसका मैनी हो, तो गोल्ड का गोल्ड तो होता नहीं है, वाटर तो होता नहीं, आयरन तो होता नहीं, सिल्वर तो होता नहीं है, आप ये तो बोल नहीं सकते हो आ गोल्ड तो आप कह नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है बेटा, इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए, चाहे वो गोल्ड होता है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो सिल्वर है, ठीक है, याद रखिएगा इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ए एन उसी के पहले लगता है जिसका प्लूरल होता है, देखिए कैसे, ए बॉय आपने लिखा, हम मैनी बॉय लिख सकते हैं, मैनी बॉय, लेकिन ये नहीं होता है, आ गोल्ड नहीं होता है, आ गोल्ड लिखने का मतलब है आप गोल्ड्स भी लिख सकते हैं, क्या ये सही है, बताइए क्या ये सही है, क्या ये गोल्ड सही है, नहीं, पूरी तरह बेटा ये गलत है, इसीलिए इनके पहले ए एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, कई बार एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है बेटा, कई बार एग्जाम में चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की, किसकी बात कर लेते हैं, कलेक्टिव नाउन, अब हम लोग बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसे आप लोग समूहवाचक संज्ञा बोलते हो, कलेक्टिव नाउन मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, ठीक है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या मतलब होता है इसका, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, छोटी सी डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आप कलेक्ट करके रख दीजिए कलेक्टिव नाउन बन जाएगी, किसी भी चीज़ की आप दुनिया भर की किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके रख दीजिए, क्या बन जाएगी, कलेक्टिव नाउन बन जाएगी, ठीक है, याद रखिए, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, राइट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, एग्जांपल देखिए इसके लिख लीजिए, जैसे देखिए बेटा टीम हो गया, ठीक है, हर्ड हो गया, टीम हो गया, हर्ड हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है, कमेटी हो गया, ये सारे क्या हैं, फ्लॉक हो गया, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, अच्छा याद रखिएगा जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये आवश्यकता अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होते हैं, याद रखिएगा, जो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं ये आवश्यकता अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, सिंगुलर यानी काउंटेबल नाउन,
और अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों ही तरीके से यूज होते हैं। देखिए कैसे, नम्रता अनुराग नहीं, दीपा राजपूत नहीं बेटा, क्या नहीं, क्वेश्चन बताइए। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं बेटा, दोनों तरीके से होते हैं। जैसे मैंने कहा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लीजिए मैंने कहा द टीम इज गुड। अब यहाँ पे देखिए टीम के साथ कैसा वर्ब आया है, यहाँ पे बेटा टीम के साथ कैसा वर्ब आया है, सिंगुलर वर्ब आया है। कैसा वर्ब आया है, सिंगुलर, याद रखिएगा, क्योंकि केवल टीम वर्ड की बात हो रही है। किस वर्ड की बात हो रही है, टीम वर्ड की। नमस्ते मनु गौतम, नमस्ते बेटा, नमस्ते, टीम वर्ड की बात हो रही है। इसीलिए इसका वर्ब कैसा है, सिंगुलर वर्ब आया है। सिंगुलर वर्ब क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हम टीम के प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, टीम वर्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टीम वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, टीम वर्ड की बात कर रहे हैं। ओके, टीम वर्ड की बात कर रहे हैं। इसीलिए बेटा इसका वर्ब कैसा आया है, इसीलिए बेटा इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया है। बट अगर यही सेंटेंस मैं ऐसे लिख दूं, यही सेंटेंस मैं ऐसे लिख दूं, द टीम हैज टेकन बाथ। नमस्ते बेटा राहुल, नमस्ते मनु गौतम, नमस्ते। द टीम हैज टेकन बाथ एंड रेडी फॉर प्रैक्टिस। बताइए इसमें एरर कहाँ है बेटा, इस सेंटेंस में कोई एरर है? द टीम हैज टेकन बाथ एंड रेडी फॉर प्रैक्टिस, क्या एरर है बेटा इसमें, इसमें बेटा क्या एरर है, फटाफट आंसर करिए। द टीम हैज टेकन बाथ एंड रेडी फॉर प्रैक्टिस, फटाक से आंसर दीजिए बेटा अगर कोई एरर लग रही है आप लोगों को इसमें। नमस्ते नमस्ते, इसमें एरर बताइए बेटा। अब देखिए बात, नहाने कौन जाएगा, नहाने टीम वर्ड जाएगा कि प्लेयर्स जाएंगे बताइए, प्लेयर्स जाएंगे ना। प्रैक्टिस करने कौन जाएगा, प्लेयर्स जाएंगे। और प्लेयर्स प्लूरल होते हैं, क्या होते हैं, प्लूरल। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन आता है, आप लोगों को याद रखना है। इस बार टीम के साथ हैज ना लग के क्या लगेगा, हैव, मतलब द टीम हैव टेकन बाथ, बाथ नहाने प्लेयर्स जाएंगे, प्रैक्टिस करने प्लेयर्स जाएंगे। तो एग्जामिनर इस तरह से घुमा के आपको सेंटेंस देगा, सेंटेंस आपसे घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, कायदे से करिएगा। यहाँ पर केवल टीम वर्ड की बात नहीं हुई है, इनडायरेक्टली यहाँ पर प्लेयर्स की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी, प्लेयर्स की बात हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही कमेटी इज भी होता है, कमेटी आर भी होता है, हैज नहीं होगा हैव, क्योंकि बात प्लेयर्स, प्रैक्टिस प्लेयर्स, इन सब की बात हुई है। ये बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पर्पज से भी। ठीक है, तो इन चीज़ों को मिस मत करिएगा। 3 बजे वाली क्लास में देखिए ट्रांसफ़र करने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत इसमें गर्मी भी होती है और लोग आराम भी करते हैं दोपहर में। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं नाउन वर्ड। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है नाउन वर्ड। बताइए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग को नाउन वर्ड्स के बारे में पता है कुछ, जल्दी बताइए, कितने भी लोग नाउन वर्ड्स को जानते हैं जल्दी से। हम लोग बात कर लेते हैं नाउन वर्ड्स की, यही पूछा जाता है नाउन वर्ड को। वर्ड्स कितने लोगों को पता है, नाउन वर्ड्स फटाफट आंसर करिए। आइए देखते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ही पूछा जाता है नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग से बाहर निकलिए। एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लग जाए, नेस। बेटा नाउन का ही काम करता है, जैसे देखिए काइंडनेस, ठीक है, हैप्पीनेस। नेस का मतलब होता है, नेस का क्या मतलब होता है बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। नेस का मतलब होता है किसी वर्ड के लास्ट में नेस आ जाए, नेस का मतलब होता है अवस्था, स्टेट या अवस्था होना, अवस्था दयालु होने की अवस्था होना, यानी दयालुता।
क्या मतलब? दयालुता। हैप्पी का मतलब खुश, नेस का मतलब अवस्था, खुश होने की अवस्था यानी खुशी, ठीक है। तो किसी वर्ड में भी नेस लग जाए वो नाउन का ही काम करता है। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, किसी भी वर्ड में बेटा हुड लग जाए नाउन का ही काम करता है, जैसे चाइल्डहुड, ठीक है, ब्रदरहुड, जो भी आप कहना चाहते हैं, व्हाट आई वांट टू टेल, ठीक है। हुड लग जाए, हुड का मतलब भी होता है स्टेट होना, अवस्था होना, यानी चाइल्ड का मतलब बच्चा होने की अवस्था होना, ब्रदरहुड भाई होने की अवस्था होना यानी भ्रातृत्व की भावना, ब्रदर। तो किसी भी वर्ड में ये आपको सफिक्स दिख जाए, अभी देखिए बेटा आ रहा है, आएंगे आएंगे, जल्दी बताइए बेटा। ओके okay।